गुड मॉर्निंग क्लास 10। टुडे वी विल स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। वैसे तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ये हम इक्वेशन के पावर, हाईएस्ट पावर से नोटिस करते हैं। ठीक है। अगर मैंने लिखा 2x² 2x + 3 is equal to a, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हुई बेटा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें x की पावर 1 है। अगर मैंने इसमें लिख दिया 2x² + 3y = a, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई है? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है? ये y की वजह यहां x ही बन रहा है। ठीक है। दो इक्वेशन व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, उसको रख दी साइन। जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सके उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। x का स्क्वायर यहां पर a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c का कोफिशिएंट अपना अपना ही है, कांस्टेंट टर्म है। समझ में 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, माइनस है ऐसा। लेकिन यहाँ हो सकता है 2x², यहाँ हो सकता है 5x ऐसा। तो a और b कॉन्स्टेंट, कोफिशियंट सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना जा रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, इसमें x का कोफिशियंट a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 0 आ गई तो 0 मल्टीप्लाई बाय x² 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो इसमें x² बचा ही नहीं, और जब x² बचा नहीं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस इतनी सी ही बात आपको समझना थी। b 0 हो सकता है, b कोफिशिएंट की जगह देखो बेटा, b कोफिशिएंट 0 हो सकता है, b कोफिशिएंट 0 होगा तो 0 * x = 0, लेकिन यहाँ x² तो रहेगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। आ गया समझ में? बस यही एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके ये बताइए कि नीचे जो इक्वेशन लिखी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलिए इक्वेशन बोलो, x + 1 होल स्क्वायर = 2x - 3 अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, पहले तो अपन इसको सिंपलीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + 2ab + b² a = x और b = 1 है। तो स्टार्ट इसको भाग में कन्वर्ट करना होगा, a² + x² + 2ab, यानी x और 1 का मल्टीप्लाई किया तो x प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर मान इज इक्वल टू 2 * x = 2x एंड 2 * 3 = 6 - 6। गॉट इट? आ गया समझ में? अब इन दोनों को हम उस और ले जा रहे हैं, x² + 2x और 3 + 2x = -2x + 1 - 6 हो जाए इज इक्वल टू 0। देन दिस विल बिकम x² + 2x - 2x = 0। व्हाट इज +7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ x² + bx + c = 0, है ना। अब मैं इसको ऐसा लिखेंगे, हम इसको हम लिखेंगे which is form, which is, which of the form, देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो देखो ax² + I'm comparing, चलो सबसे I'm comparing ax² + bx + c = 0, then ax² a की वैल्यू 1 है, तो ये तो ax² यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट प्लस जीरो एक्स, बी की वैल्यू क्या हुई
जीरो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो एक्स स्क्वायर तो अपने आप में जीवित है. सो देयरफॉर यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस गिवन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आगे समझ में क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर ये जीरो यहां हो जाता ना तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह आपको सारे क्वेश्चन करना है. कोई भी क्वेश्चन में एक और बता देता हूं, एक ऐसा क्वेश्चन बता देता हूं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, बाकी रेस्ट ऑफ द सम यू विल डू इट. गॉट इट? ठीक है, थर्ड कर लेते हैं अपन. चलिए x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन फर्स्ट का थर्ड x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री. गॉट इट? फर्स्टली वी हैव टू डू द मल्टीप्लाई. ध्यान से देखना, पहले x का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर माइनस टू का मल्टीप्लाई दोनों एंड से लिया. देन स्टार्टिंग ऑफ प्रीवियस क्लास में कई बार कर चुके हैं हम. समझ में आया? ये फैक्टर है, प्रोडक्ट फाइंड करें. x into x is x square, x multiply by 1 is x, x बन जाए x, minus 2 multiply by x is minus 2x, and minus into plus is minus and 2 बन जाए 2. मतलब डिजिट के पहले साइन का मल्टीप्लाई करके लिखना है. समझ में आया? इज इक्वल x into x is x square, and x multiply by plus 3 is plus 3x, minus 1 multiply by x is minus x. And minus 1 multiplied by plus 3 is minus. Now plus x square and minus plus x square is cancelled. कैसे? अगर ये x square को इधर लाते तो minus होता? Yes, zero. अगर is equal to के दोनों और same sign same degree तो cancel हो सकती है. है ना, sign same होना चाहिए, plus minus नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर ये minus होता उधर जाता तो plus हो जाता और add हो जाता. ठीक है? Now minus 2x and plus x क्या हुआ? Minus x. n plus 3x, चलो ये हमने किसी इजी पर plus 3x minus x is 2x and minus 3. now see suppose to be case को हम इधर लाना है, तो ये 2x के पास क्या आया? minus x plus x. समझ में आ रहा है? ये minus 3 के पास 2 आया plus 2, इजी पर तो रह गया 0. 2x plus x कितना हो गया? plus 2 is equal to 0. तो I'm comparing quadratic equation नहीं है, जिससे compare करना है ना? हाँ minus 4, sorry. ये मैंने लिखा ना, ये comparing quadratic equation. I'm comparing quadratic equation. ये अपना अपने quadratic equation, do you understand? Minus 3 plus 2 is minus 1, that's good. I'm comparing quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Now see, 0 x square है, तो यहाँ x square है ही नहीं, तो a की वैल्यू क्या हुई? समझ में आया मैंने 0 क्यों लिखा? Plus 3x minus 1 is equal to 0. Then आपका ये क्या हो गया? a is equal to 0. a is equal to 0 में से जब x square के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0. मतलब ये हो गया आंसर 0. 0 plus 3x minus 1 is equal to 0. मतलब 3x minus 1 is equal to 0. तो 3x में कहाँ है? Square कहाँ है? ये नहीं है ना? So it is not a quadratic equation. मतलब power 2 होती, quadratic equation होता जैसे ही है. b 0 हो सकता है, x 0 नहीं. Do you understand? So therefore, given equation is not a quadratic equation. बोलो आया पूरी क्लास को समझ में? इसके क्वेश्चन फर्स्ट के सभी ऐसे होंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू शुड डू देम. एंड क्वेश्चन नंबर टू सी,
मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूँ, सॉल्व करना है इसको। टाइम इज 5 मिनट लेफ्ट। चलिए अपन ये कल करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्योंकि सॉल्व करना पड़ेंगे ना। क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अच्छा अच्छा केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना है। चलिए मैं एक बता देता हूँ, समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दी गई है इनको आपको कौन से फॉर्म में लिखना है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख लेते हैं, साइड में मैं करूंगा। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला क्वेश्चन, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 स्क्वायर मीटर। आगे बढ़िए, अब वो कह रहा है कि जो लेंथ है प्लॉट की वो उसकी ब्रेथ के दुगने से वन ज्यादा है। ब्रेथ को दुगना कर दो और उससे वन ज्यादा, तो वो क्या होगा, उस प्लॉट की ब्रेथ होगी। तो उस की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है हमको, केवल क्वांटिटी इक्वेशन का कन्वर्ट करना है। सी है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, पढ़ गया आपको, बाकी की क्वांटिटी इक्वेशन बनाना है सेकंड का फर्स्ट। तो हमको इसमें ब्रेथ मानना पड़ेगा क्योंकि उसके आधार पर हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ ब्रेथ बी एक्स मीटर, ब्रेथ बी एक्स मीटर। सो देयरफॉर जो लेंथ है जो क्वेश्चन में बोला है इस ब्रेथ की दुगने से वन ज्यादा। लेंथ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ एंड वन मोर है, तो ये हमने लेंथ लिख दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए हम जानते हैं बिनो, अभी हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मैं इसको लिख रहा हूं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गॉट इट। बात है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा, लेंथ भी है 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब x इज इक्वल टू एरिया ऑफ को दिया हुआ है 500 20 आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a is equal to 2, b is equal to 1, c is equal to minus 500 d a, ये कंपेयर करके हमने इस तरह आपको क्वेश्चन पढ़कर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। केवल ये सॉल्व करना था, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में, रेस्ट ऑफ द सम यू रीड एंड ट्राई टू बेस्ट ऑन योर लेवल to make the quadratic equation. Okay, beta? Yes, sir. Thank you very much.